दिन हमें शिकायत आई कि कोसी में अवैध खनन हो रहा है, तो हम अपनी फ्लाइंग स्क्वाड और अपने रेंज की टीम लेके वहाँ पे गए। और जैसे ही हम वैदखेड़ी गेट के पास पहुँचे तो सारी जेसीबी लगी हुई थी 6-7 जो कोसी की तरफ भागी हमारे विभाग की गाड़ियों को देखते हुए। और एक जेसीबी का पीछा करते हुए हम वैदखेड़ी गेट की तरफ पहुँचे तो उसके पास पहुँच रहे थे, मगर उस बीच में मतलब वहाँ पे 40-50 लोग एकदम वो स्कूटर पे बाइक पे बैठे हुए मुंह ढक के तलवार वो कृपाण वगैरह लहराते हुए डंडे लेके पीछे से आए पहले। और उसमें एक अध्यक्ष की सफेद रंग की एसयूवी भी थी, वो पीछे की तरफ गई और हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के ड्राइवर को उन्होंने गर्दन पकड़ के धमकाया कि तुम यहाँ पे दिखे तो तुम्हें जान से मार देंगे, और साथ में तलवार लहराते हुए वो कृपाण लेके वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। हमारी स्क्वाड थोड़ा डर गई और आगे निकल गई। उसके बाद वो वापस लौट के आए और हमारे गाड़ी की बोनेट पे डंडे मारते हुए, और सामने एक लड़का था जो कृपाण लहराते हुए खड़ा था, और बाइक भिड़ा दी और रोक दी। उसके बाद किंता ने जबरदस्ती हमारी गाड़ी का खिड़की खोला और फिर एकदम मुंह पे आके बहस करने लग गया कि मैडम आपने गोली कैसे चलाई, गोली कैसे चलाई। उन्होंने खुद ही अपने आदमियों द्वारा वहाँ पे गोली चलाई थी। वो तो उस वक्त हमने देखा कि ये लोग हम पे भारी पड़ रहे हैं, बहुत अधिक लोग हैं, और हमारी स्टाफ भी जैसे फ्लाइंग आगे डर के आगे निकल गई थी, तो हमने शांति से काम लिया, कोई बहस नहीं की। अगर हम बहस करते या कुछ विद्रोह करते तो वो हम पे हमला भी कर सकते थे। उस वक्त ऐसा मतलब किसी महिला अधिकारी के साथ हो रहा है तो हमारे इस तरह से तो हमारे साथ ही मतलब विभाग का काम करना बहुत मुश्किल है, और हमारा ग्राउंड स्टाफ तो बहुत डर जाता है वहाँ काम करने के लिए। ये प्रशिक्षु IFS महिला अधिकारी द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें ये बताया गया है कि अवैध खनन के खिलाफ कोशी नदी में वैदखेड़ी के पास छापेमारी के दौरान उनके और उनके फॉरेस्ट केयर कर्मचारियों को कुलविंदर सिंह किंदा तथा 40-50 अन्य लोगों द्वारा रोक करके उनकी गाड़ी को घेर लिया गया तथा लाठी डंडों से गाड़ी वगैरह पे प्रहार किया गया। तो उनकी तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना की जा रही है। Thank you.